नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। पंजाब कांग्रेस का संकट लगभग शांत होने के बाद अब पार्टी आलाकमान राजस्थान में तेज हुई हलचल को लेकर सक्रिय हो गया है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच एक और नई जानकारी सामने आ रही है कि सचिन पायलट AICC महासचिव के रूप में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी होंगे। पार्टी आलाकमान BK हरिप्रसाद के साथ सचिन पायलट के नाम पर भी विचार कर रहा है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में शपथ ग्रहण के अगले एक सप्ताह के भीतर AICC रीशफल हो सकता है और उसी फेरबदल में पायलट के महासचिव बनने की संभावना है। वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के अटकलों को लेकर तैयारियां जारी है। कांग्रेस विधायकों को 28 और 29 जुलाई को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आनन फानन में दूर दराज के क्षेत्रों से विधायकों का जयपुर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा, लिहाजा विधायकों की मौजूदगी अगर जयपुर में हो तो उन्हें संदेश देने में आसानी रहेगी। वहीं सचिन पायलट AICC महासचिव के रूप में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। हाल ही में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक और राजनीतिक नियुक्तियों का फैसला हाईकमान पर छोड़ने की सहमति जताई थी। अब अजय माकन एक बार फिर विधायकों का मन टटोलने के लिए जयपुर आएंगे और कहा जा रहा है कि इस रायशुमारी के पीछे कांग्रेस आलाकमान की रणनीति मंत्रिमंडल विस्तार की भी है।